गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल, बढ़िया, फाइन, ओके। तो चलिए, आज से हम यहाँ पे कुछ नया करने जा रहे हैं। नया मतलब मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा, और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ नया मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। फिलहाल हम यहाँ पे JEE लेवल के 11th स्टैंडर्ड के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स एंड यू नो प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते हम उन्हें, लेकिन हम थ्योरिटिकल पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है और जिन जो हमें रिवाइज करने जरूरी हैं या फिर जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप के सब रेडी होंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो फिर सबसे पहला लेक्चर, एक मिनट पहले ये बता दूं कि हम यहाँ पे आज से जो हम 11 के जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स उठाऊंगा और उन टॉपिक्स पे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम्स, ओके। चलिए, तो मेरे सामने एक क्वेश्चन यहां पर है, एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट। अब जब यहां पे सिलेक्ट वर्ड आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में ना घंटी बजनी चालू हो जाती है कि हम यहां पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। इफ वी सिलेक्ट द लेटर्स, इट मींस वी आर एक्चुअली कंबाइनिंग, द लेटर्स, यू नो, टू कंबाइन। सो इट मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब यहां पे कुल मिला के कितने लेटर्स हैं? तो कुल मिला के यहां पे लेटर्स हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेटर्स हैं। तो इन 11 लेटर्स में से हमें ना 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो क्या लगता है आपको, मैं 5 लेटर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं क्या? अब यस, टेक्निकली यस, मैं 5 में से कोई भी लेटर सिलेक्ट कर सकता हूं, बट इट इज नॉट एट एज इजी एज यू थिंक, राइट? इट इज नॉट एज सिंपल, क्योंकि जब मैं 5 लेटर सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे ये भी तो देखना होगा कि जो लेटर्स मुझे यहां पे दिए गए हैं उन लेटर्स की क्या खासियत है। तो उन लेटर्स की खासियत यह है कि बॉस यहां पर एन 3 बार है, डी 2 बार है, ई 3 बार है, ठीक है ना, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो हेलो, ठीक है, ओके। चलिए, सो आई यहां पर एक बार है, एन यहां पर तीन बार है, डी यहां पे 2 बार है, और ई भी यहां पे 3 बार है, और पी और डी एक एक बार है। तो देखिए, कुछ केस यहां पे बनेंगे, ठीक है। देर आर सम केसेस, यू नो, देर आर सम केसेस, और वो केस कौन से होंगे? तो वो केस होंगे, सबसे पहला केस होगा यहां पे, मैं पांचों के पांचों लेटर, यू नो, डिस्टिंक्ट अलग अलग सोच रहा हूं। सो देर आर सम केसेस, उसमें से फर्स्ट केस है ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 5 लेटर्स आर डिफरेंट, पांचों के पांचों लेटर्स डिफरेंट होंगे। तो उसके कितने वेव्स बनेंगे यहां पे? तो उसके वेव्स बनेंगे, नंबर ऑफ वेव्स आर, सी आप यहां पे काउंट करो, आपके पास आई 1 है, अच्छा 3 एन लेने की क्या जरूरत है, उसमें से कोई एक एन लेते हैं, 2 डी लेने की क्या जरूरत है, उसमें से कोई एक डी लेंगे, 3 ई लेने की क्या जरूरत है, उसमें से कोई एक ई लेंगे, और एक पी और एक टी। तो इस तरीके से मैं गिनूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उनमें से मैं 5 लेटर्स सिलेक्ट कर सकता हूं। सो आई कैन सिलेक्ट 5 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स, तो उसके वेव्स बनेंगे 6C5 = 6। अच्छा, जिन लोग को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है वो यू समझ लें कि 6 में से 5 सिलेक्ट करना और 6 में से 1 सिलेक्ट करना दोनों एक ही होता है, 6 में से 5 जाएगा तो 1, है ना। अब 6 में से 1 सिलेक्ट करने के वेव्स होते हैं 6, तो यहां पे आ गया 6। चलिए, नेक्स्ट सेकंड केस,
सेकंड केस में मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा पता है, यहां पे मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे पास तो तीन लेटर सिमिलर हो, ऐसे ऐसी दो पैर है, है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि three letters are alike and two are different. Three letters are alike and two are different. अब इसके कितने वेज बनेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये बिट डिफिकल्ट है. सी, तीन लेटर्स ना सेम है, तो तीन लेटर सेम है मतलब लाइक मेरे पास दो पैर है जिसमें तीन लेटर सेम हो, एक है एन वाली और दूसरी है ई वाली, है ना, तो ये मैं दो पैर में से कोई भी एक पैर सिलेक्ट कर लू. सो व्हाट आई कैन डू इज 2C1, मैं दो पैर में से कोई भी एक पैर सिलेक्ट करूंगा. अच्छा कैसा होगा, मतलब मान लीजिए मैंने ट्रिपल एन वाली जो पैर है वो ले ली, ठीक है. सो ट्रिपल एन, यू कैन सी अब यहां पर आप देख सकते हो तीन लेटर सेम हो गए, तो बस बाकी के दो लेटर्स डिफरेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जो बाकी के दो लेटर्स हैं वो हो सकता है आई, वो हो सकता है दो डी में से एक डी, हेलो, वो हो सकता है दो डी में से एक डी, है ना, तो आई डी या फिर ट्रिपल एन आई ई. अच्छा आप बोलोगे सर ई क्यों लिया, अरे यार मुझे जब मैं तीनों एन को यूज कर रहा हूं तो तीनों एन तो बाकी के है ना, वो तो बची रहे हैं ना, वो तो हमने अलग कर दिए ना, तो जब मैं अलग कर दिए तो उसमें से एक ही उठा सकता हूं, है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज ये अलग अलग ऑप्शंस हो गए, यू नो, तो मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ वेज बनेंगे, मेरे पास यहां पे नंबर ऑफ वेज बनेंगे 2C1 क्यों, क्योंकि मेरे पास दो पैर है, दो पैर में से कोई भी एक पैर में सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर जो मैं ऐसा करता हूं तो अब जो मेरे पास यहां पे दो पैर है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब आप सोचो मुझे यार और दो लेटर्स की आवश्यकता तो है, मुझे और दो लेटर तो यहां पे चाहिए तो नहीं चाहिए, है ना, अब जब मुझे और दो लेटर चाहिए तो ये बाकी के दो किसमें चलूंगा, तो देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही टेक्निकल बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं. मैंने तीन एन यूज कर लिया, अब मेरे पास एक आई है, दो डी में से एक डी है, या तीन ई में से एक टी है और टी है और टी है, इस तरीके से देखने जाए तो एक दो तीन चार पांच. अच्छा मान लो कि मैं तीन ई एट द सेम टाइम तीन ई ले रहा हूं, आई एम टेकिंग थ्री ईस एट द सेम टाइम, राइट, तो इन दैट केस व्हाट डू आई हैव, वन आई, तीन एन है उसमें से एक एन ले लो, टू टी है उसमें से एक डी ले लो, टी और टी ले लो, तो इस तरीके से मेरे पास पांच लेटर्स के ऑप्शन हैं और उनमें से कोई दो लेटर हम लेंगे. सो नंबर ऑफ वेज इसके मिलेंगे 2C1 × 5C2, दैट्स 10, 5 × 4 / 2, सो योर आंसर इज 20. चलिए नेक्स्ट. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं ले लूं थ्री लेटर्स आर अलाइक एंड टू लेटर्स आर अलाइक, मैं ऑप्शन ले रहा हूं, केस ले रहा हूं थ्री लेटर्स आर अलाइक एंड टू लेटर्स आर अलाइक ऑल्सो, सॉरी कुछ मैं इसे प्रॉपर वर्डिंग में फिट करूं, थ्री लेटर्स आर अलाइक ऑफ व्हाट काइंड, यू नो, थ्री लेटर्स आर अलाइक ऑफ व्हाट काइंड, जिसका मतलब होता है किसी एक तरीके के, किसी एक सेम अक्षर के, राइट, एंड टू जो बाकी के दो लेटर्स हैं, सो टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, ठीक है. आप बोलोगे सर ये क्या है, बता रहा हूं डोंट वरी. मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिया है 3N, ठीक है, मैंने यहां पे लिया है 3N, सो व्हाट आई एम टेकिंग इज 3N, राइट है, ओके. अब मैं दो डी भी तो ले सकता हूं,
अब मैं यहाँ पे दो डी के ले सकता हूँ, ठीक है, 3n 2d, या फिर 3n 2d, यस आई कैन टेक। यहाँ पर मैं आई और टी को नहीं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो थ्री लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड। तो इसके वेज होंगे, ध्यान से समझना, इसके वेज होंगे नंबर ऑफ वेज, मान लीजिए मैंने ये ट्रिपल एन और ट्रिपल ई है ना, उसमें से कोई एक ले लिया है, सो टू सी वन, बट मैं कोई एक अगर जो पैर लूंगा तो दूसरी पैर बचेगी और साथ में बचेगा दो डी, साथ में बचेगा टू डीज, तो वो जो टू डीज है, और मान लीजिए मैंने ट्रिपल एन लिया है तो ट्रिपल ई बच रहा है, उसमें से दो ई ले सकता हूँ, या टू डीज बच रहा है उसमें से दो डी ले सकता हूँ, सो टू सी वन C1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली टफ बट थोड़ा सा यू नो ट्विस्ट है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब और कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पर हैं? तो पॉसिबिलिटीज तो और भी हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटीज तो और भी हैं। अब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? अब यहां पर पॉसिबिलिटीज आएंगी, अब यहां पर पॉसिबिलिटीज आएंगी कि मैं ले लेता हूं टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, टू लेटर्स आर अलाइक एंड थ्री लेटर्स आर डिफरेंट। क्यों? ये हो सकता है ना, है ना, टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड थ्री लेटर्स आर डिफरेंट। तो इसके वेज होंगे, इसके नंबर ऑफ वेज हमें यहां पे मिलेंगे, इसमें नंबर ऑफ वेज हमें यहां पे मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इसके नंबर ऑफ वेज हमें यहां पे मिलेंगे। व्हेन आई से टू लेटर्स आर अलाइक, तो मेरे पास ट्रिपल एन, डबल डीज एंड ट्रिपल ई है, तो उसमें से कोई एक पर मैं उठाऊंगा। आई मीन आप लोग सिर्फ ट्रिपल एन क्यों आप लोगे यार, आप ट्रिपल एन क्यों लोगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ट्रिपल एन लूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मेरे पास ट्रिपल एन में है तो उसमें से मैं दो ई ले लूंगा, मेरे पास ट्रिपल ई है तो उसमें से मैं दो ई ले लूंगा, या मेरे पास टू डीज है वो मैं टू डीज ले सकता हूं, है ना। तो इस तरीके से आई हैव थ्री ऑप्शंस एंड आई कैन सिलेक्ट वन ऑफ देम, सो 3C1। अब लेट्स से कि मैंने 2E ले लिया, मैंने 2E ले लिया, अब अगर जो मैं 2E ले रहा हूं तो इसको छोड़ के मेरे पास 1I 1N 1D 1P 1T है, उसमें से मैं कोई भी तीन लेटर सिलेक्ट कर सकता हूं। आई टेक ओनली वन लेटर फ्रॉम 3N, ओके, आई टेक ओनली वन लेटर फ्रॉम 2Ds, ठीक है, ओके। सो 3C1 इंटू 5C3, 3C1 is 3, 5C3 और 5C2 is 10, so 3 into 10 is 30. तो my dear students, 4 केस हो गए। अब क्या यहाँ पे बस इतने ही केस आएंगे कि और भी केस बन सकते हैं? हेलो, क्या यहाँ पे इतने ही केस आएंगे कि और भी केस बन सकते हैं? डेफिनेटली और केस बनेंगे, और केस मतलब एक केस और बच रहा है, ठीक है, आप खुद सोचो वो केस कौन सा होगा। आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा और वो भी करेक्ट सोचा होगा। जो केस बाकी है ना वो ये है कि यार सर आप ये सोच रहे हो कि सर एक काम करो ना, आप दो लेटर सेम टाइप के ले लो, जैसे ले लो आप 2N, फिर आप ले लो सर 2Ds, ले सकते हैं ना, और एक लेटर जो बचा वो कोई और ले लो, आई ले लो या ई ले लो या पी ले लो या टी ले लो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो इसमें आएगा टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, अनदर टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, अनदर काइंड यू नो, टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ
अनदर काइंड मतलब किसी और तरीके के, जैसे टू एन देन टू डेज है ना, वैसे. एंड वन लेटर इज डिफरेंट, वन लेटर इज डिफरेंट. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी कंजूसाई क्यों कर रहे हो लिखने में, पीछे नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं चले जाते. उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा. तो इसमें क्या वेज होंगे वो देख लेते हैं. तो इसमें वेज होंगे, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा. ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे ट्रिपल एन है, डबल यू है, ट्रिपल यू है. मैं उसमें से कोई दो पैर लूंगा, यू नो, दो पैर, दो दो टू पैर मीन्स ट्रिपल एन है उसमें से मैं टू ईज लूंगा. एन ट्रिपल ई है उसमें से मैं टू ईज ले सकता हूं, टू डीज है वो मैं ले सकता हूं, राइट है. सो इसमें होगा ये कि आप थ्री में से टू पर सिलेक्ट करोगे, या फिर थ्री ऑप्शंस में से टू ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे. अब बचा एक लेटर, स्टिल देयर इज अ वन लेटर व्हिच वी हैव टू टेक. अब मान लीजिए मैंने ट्रिपल एन में से दो एन ले लिया है, एज यू कैन सी, और डबल ई ले लिया हुआ है. अब बच रहा है मेरे पास आई, ट्रिपल ई में से एक ई, then P, then T. So I have four letters, I have remaining four letters, you know. अब मैं उसमें से कोई एक letter select करूंगा, तो मेरा यहाँ पे ये जो word है वो complete हो जाएगा. 3C2 is 3, 3C2 और 3C1 is same, 4C1 is 4, that's 12. तो ये चार case, sorry, ये पांच case जो बने ना, तो इस तरीके से ये पांचों के पांचों केस का आप टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फाइव लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट मिल जाएगा. ठीक है, एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करता हूं, ऑल फाइव लेटर्स आर डिफरेंट. ठीक है, थ्री लेटर्स आर अलाइक, टू लेटर्स आर डिफरेंट. चलिए काम करते, इसमें पेन का ऑप्शन है हमारे पास, तो कोई और पेन यूज करते हैं जिससे थोड़ा सा डिफरेंट रहे. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये हो गया फिफ्थ. अब एक बात आप समझ लो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करवाने का इंटेंशन मेरा ये है कि आप ये समझ लो कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा जहां पे आपको सिलेक्शन करना है. ठीक है, लेटर्स, फाइव लेटर्स, छह लेटर्स, चार लेटर्स, थ्री लेटर्स, और उसमें भी जो वर्ड दिया है उसमें कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली देयर आर सम लेटर्स व्हिच आर रिपीटिंग. अब आपको कहा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फाइव लेटर्स या फोर लेटर्स या सिक्स लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, तो सोचिए वो कैसे बनेगा. ठीक है, तो ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब लेटर्स रिपीट होते हैं. और एक खास बात, अगर जो क्वेश्चन में यू कहा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्ड्स या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड राइट आउट ऑफ फाइव लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट, मतलब कि यहां पे आपको सिलेक्ट भी करना है लेटर्स एंड देन उसको अरेंज करके यू नो वर्ड्स भी बनाने हैं. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. इस क्वेश्चन में सिर्फ लेटर्स सिलेक्ट करना है, वर्ड्स नहीं बनाना है. ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जरा मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सिलेक्टिंग फाइव लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट. तो अगर जो फॉर्म्ड कहा है मतलब आपको वहां पे वर्ड्स बनाना भी है अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू नो डिफरेंट परम्यूटेशंस, तो उस केस में हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं. उस केस में और ज्यादा थोड़ा मुश्किल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर जो ये थ्री लेटर्स आर अलाइक एंड टू आर डिफरेंट, चलो एक काम करते हैं ये सही रहेगा. अगर जो क्वेश्चन यू हुआ कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सिलेक्टिंग फाइव लेटर्स फ्रॉम द वर्ड दिस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए व्यूअर्स आपके लिए छोड़ रहा हूं.
ये क्वेश्चन कैसे होगा ये आप मुझे बताना, अगर जो आपको इसमें कहीं डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गिव द आंसर, ठीक है ओके। बट या फिर इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझ सकते, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि उस केस में क्या करना है वो आपके लिए है, ठीक है। तो सोचना एंड आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, अब एक मैंने छोटा सा यू नो एक पॉइंट डिस्कस किया है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इज 2^n-1। देखिए जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो कंसेप्ट यू है कि हमारे पास ना टोटल एन डिफरेंट थिंग्स हैं, टोटल मेरे पास एन डिफरेंट थिंग्स हैं, एन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और मैं उसमें से एक तो सिलेक्ट करने ही वाला हूं, एक से ज्यादा भी आई कैन सिलेक्ट, एक से ज्यादा भी आई कैन सिलेक्ट, एटलीस्ट वन, यू नो एटलीस्ट वन। तो उसके वेज बनते हैं, उसके वेज बनते हैं 2^n-1, 2^n-1। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1, 2, 3 n things from n different things is, अब देखो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना। तो देखिए मान लीजिए मैं, मेरे पास, मैंने क्या कहा आपको कि n different thing है और उसमें से मैं एक तो सिलेक्ट कर ही सकता हूं at least one, तो चलो n में से एक सिलेक्ट करना है तो उसके वेज होंगे nc1, n में से दो सिलेक्ट करना है तो उसके वेज होंगे nc2, n में से 3 नंबर सिलेक्ट करना है तो उसके वेज होंगे nc3, until n में से n मतलब सभी के सभी आपको सिलेक्ट करना है तो उसके वेज होंगे ncn, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन थिंग इज nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn इज इक्वल्स टू 2^n-nc0 इज इक्वल्स टू 2^n-1। अब अगर जो आपको ये है कि सर ये कहां से आया, तो एक 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 कंसेप्ट होता था बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, और वो कंसेप्ट ये था सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, यू नो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, एंड दैट इज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn equals to 2^n। इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब यहां पे आप सब जानते ही हो कि nc0 तो 1 होता है, तो nc0 को मैं उठा के उस तरफ ले लूं तो वो मुझे मिल जाएगा 1। सो nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn इज इक्वल्स टू 2^n-1। अच्छा अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक डाउट है, पक्का आ रहा होगा यार कि सर ये ऐड क्यों किया आपने nc1 nc2 nc3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो केस की बात कर रहे हैं, दीज आर सम केसेस, यू नो मेरे पास एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, मुझे ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को छोड़ के मैं एक आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्या वो नेक्स्ट पेज पे है, नहीं यहां पे कुछ और ही है। तो एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, यू नो, और मुझे मेरी बर्थडे पार्टी में 10 में से एक को तो बुलाना ही है, कम से कम एक को तो मैं बुलाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं किस तरीके से ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, या कितने वेज होंगे जब मैं मेरे फ्रेंड्स को पार्टी के लिए बुला सकता हूं, ठीक है। दिखने में सुनने में बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन समझना कि ये मैथमेटिकल ग्राउंड पे ये क्वेश्चन क्या 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 कहां जाके रुकेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो मैंने क्या कहा, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, अब 10 फ्रेंड है तो 10 में से मैंने सोचा यार एक जिगरी है उसको बुलाऊं, सबसे एक जिगरी है सिर्फ उसी को बुलाऊं। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास कट nc1, 10 में से कोई एक जिगरी फ्रेंड को मैं बुलाऊंगा। अब वो कोई एक जिगरी फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ये मुझे तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, है ना। तो 10 में से किसी एक जिगरी फ्रेंड को बुलाने का वेज होगा nc1। चलिए फिर उसके बाद 10 में से दो फ्रेंड्स को मैं बुलाऊंगा, ठीक है ओके, 10 में से मैं दो फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तो यार 10 में से दो फ्रेंड्स, कोई भी दो फ्रेंड्स, है ना, कोई भी दो फ्रेंड्स, बाकी के 8 फ्रेंड्स को मैं नहीं बुलाऊंगा। सो 10 में से कोई भी दो फ्रेंड्स को मैं बुलाऊंगा, उसके वेज होंगे 10c2। फिर
मैंने सोचा नहीं नहीं 10 में से चलो तीन फ्रेंड्स को बुलाता है, तो 10 में से तीन कोई भी टीम हो सकता है यार। यहाँ पे पता है क्या है, सारे फ्रेंड्स सारे जिगरी फ्रेंड्स एक ही मतलब जिगरी फ्रेंड्स में क्या पार्शियलिटी करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चिट्ठी निकाल लेते हैं कि तीन 10 फ्रेंड्स की चिट्ठी ले ली, चिट्ठी समझते हो ना आप लोग, चिट, और फिर उसमें से किसी एक चिट को हमें उठाना है। तो वो तो कोई भी हो सकता है, 10 में से कोई भी एक हो सकता है, तो उसके केस होंगे 10C1। सिमिलरली कोई भी दो हो सकते हैं, तो उसके टोटल एज होंगे 10C2। सिमिलरली तीन फ्रेंड सिलेक्ट करना है, तीन चीट उठा ली, उसके केस होंगे 10C3। तो बॉस इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा 10C4, 10C5 टिल 10C10। अब ये सारे के सारे ना नंबर ऑफ वेज रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे नंबर ऑफ वेज बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो टोटल वेज की बात करेंगे तो हम इन सबको ऐड ही तो कर देंगे, ठीक है ना। सो जब इन सबको ऐड करोगे तो 10C1 प्लस 10C2 टिल 10C10। अब अगर जो ये क्वेश्चन मान लीजिए गलती से एग्जाम में पूछ लिया, तो क्या लगता है आपको, आपके पास इतना समय है कि आप वहां पे 10C1 10C2 10C3 फाइंड कर करके ऐड करोगे? नहीं, सीधे सीधा हम ये फॉर्मूला रख देंगे कि 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर 10 इज 1024 माइनस 1 इज 1023। सो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पा रहा हूं एंड आप लोग समझ भी पा रहे हो। सी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से टॉपिक समझना मुश्किल है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आपका काम है कि आप इस कंसेप्ट को इस टॉपिक इस कंसेप्ट को थोरली समझो, इस पॉइंट को थोरली समझो, इस फॉर्मूला को थोरली समझो, फिर इससे रिगार्डिंग कहीं भी कुछ भी दिखे तो उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हुआ है, there is a girl whose name is Nishi. She has 5 rupees each of different denominations. You know, find the number different sums of money she can form. मैंने किसी एक बुक से ये कॉपी किया होगा जिसे वही बुक की लैंग्वेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, 5 rupees each of different denomination का मतलब हुआ, how can I explain? हाँ, simple है। मतलब यहाँ पे ये इसे इस तरीके से आप समझो कि उसके पास 2 रुपीज का एक कॉइन है, 1 रुपीज का एक कॉइन है, 50 पैसा का एक कॉइन है, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है, ओके। सो अच्छा, रुपीज की बात की है तो सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत समझाया। ये 5 रुपीज इच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपीज नोट्स, यू नो, या 5 नोट्स ऑफ रुपीज लिखने में ऐसा लिखना चाहिए था। मतलब कि एक नोट मेरे पास 10 रुपीज की है, दूसरी नोट है मेरे पास मान लीजिए 100 रुपीज की, फिर उसके बाद 200 रुपीज की, फिर उसके बाद 500 रुपीज की, फिर उसके बाद 200 रुपीज की, इस तरीके सॉरी 2000 रुपीज की, 200 तो आ गया, और देन 20 रुपीज की। तो 5 तो यहीं पे हो गए, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है, ये 5 नोट्स है मेरे पास, बस दैट्स इट। अब उसमें से मैं कितने डिफरेंट सम्स ऑफ मनी शी कैन फॉर्म, मतलब अब इसको अब यू समझने की कोशिश करो कि वो कितने वे से ये कॉम्बिनेशन कर सकती है ना। तो उसके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बनेंगे, सिंपल है, 5 में से कोई वो एक नॉट ले सकती है, ठीक है, देन 5 में से 2 नोट्स वो ले सकती है, 5 में से 3 नोट्स वो ले सकती है, 5 में से वो 4 नोट्स ले सकती है, 5ों के 5ों नोट्स भी वो ले सकती है, ठीक है, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि ये डिफरेंट सम्स ऑफ मनी है ना, उसके पास ऐसे इस तरीके से मिल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेंगे 2 की पावर 5। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 की पावर 5 -1, क्योंकि किसी एक नोट तो वो सिलेक्ट कम से कम करना ही है। सो 2 की पावर 5 -1 एंड दैट इक्वल्स टू 31। क्वेश्चन को आप ऐसे समझो यार कि 5 रुपीज
पांच नोट्स हैं अलग अलग रुपीस के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब मान लीजिए उसमें से उसे खर्च करना है, खर्च करना है ना, उसे यूज करना है, तो वो कितने वे से इसे यूज कर सकती है। नाउ इट इज क्लियर विथ यू? आई डोंट थिंक अभी थोड़ा सा अभी कहीं पे भी डाउटफुल है ना। मेरे पर्स में एक, चलो अब अभी मैंने इसे और थोड़ा सिंपल कर दिया, मेरे पर्स में पांच नोट्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग मनीज, मतलब डिनोमिनेशन रुपीस की, जैसे जो अभी मैंने बताया वैसे, ठीक है ना, 10 रुपीस, देन 20 रुपीस, देन 50 रुपीस, 100 रुपीस, काइंड ऑफ। चलो अब मैं कितने तरीके से ये खर्च कर सकता हूँ, दैट्स इट, मैं कितने तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं पांच में से एक भी यूज ना, पांच में से कम एक यूज करना है मुझे, कम से कम मुझे एक यूज करना है, तभी मैं उसे यूज कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो पांच में से कोई एक, प्लस फाइव में से पांच नोट्स में से कोई दो नोट्स, पांच नोट्स में से कोई तीन नोट्स, पांच नोट्स में से कोई चार, पांचों के पांचों खर्च कर सकता हूं, मेरी मर्जी। सो द फॉर्मूला इज 2 की पावर 5 माइनस 1, एग्जैक्टली मैंने यहां पे इसी को यूज किया है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा कंसेप्ट है एक बार जरा देख लेते हैं। सो कंसेप्ट आई गेस वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसी का एक क्वेश्चन है। सो देयर आर 3 books of maths, 4 books of science एंड 5 of literature, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट इच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 book of each subject। चलिए मतलब के एक एक बुक हर एक कलेक्शन की होनी चाहिए। तो आई गेस इसका आंसर तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इजी, है ना। 3 maths की जो books है उसमें से कोई एक बुक उठानी है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन जब आप बनाओगे और वो भी 1 book लेनी है ना, 1 book of each subject, तो 3 books है मैथ्स की उसमें से कोई एक बुक आप उठा सकते हो, 4 books जो साइंस की है उसमें से भी कोई एक बुक आप उठा ही सकते हो, और जो 5 literature की books है उसमें से कोई एक बुक आप उठा सकते हो। सो द नंबर ऑफ वेज टू मेक अ कलेक्शन ऑफ 1 book of each subject इज 3C1 is 3, 4C1 is 4, 5C1 is 5, है ना, ठीक है। एंड सो योर आंसर इज 5 to the 20 into 3, 60। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एटलीस्ट 1 book of each subject, अब ये इन्होंने पंगा यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कुछ नया ये लोग बोल रहे हैं कि यार कम से कम एक बुक होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। अब जब मैं कम से कम एक बुक बोलता हूं तो समझने वाली बात है कि मेरे पास मैथ्स की ना 4 books हैं, मेरे पास मैथ्स की 4 books हैं, और उन चारों में से मैं, मेरे पास मैथ्स की 4 books हैं लाइक दिस। अब मैं 4 अलग अलग books है यार, अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग पब्लिकेशंस की 4 books हैं। तो मैंने ये 1st book ली, ये 2nd book, ये 3rd, ये 4th। अब जब मैं कर रहा हूं एटलीस्ट 1 book, तो मतलब मैं 5 4 book में से कोई भी एक बुक ले सकता हूं, या फिर मैं 4 में से 2 books ले सकता हूं, या फिर मैं 4 में से 3 books ले सकता हूं, या फिर मैं 4 की 4 books ले सकता हूं। जब मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 1 book, तो मतलब यहां पे कंसेप्ट क्लियर है कि आपको कम से कम एक बुक तो लेनी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप 2 books भी ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, 3 books भी ले सकते हो, 4 books भी ले सकते हो, लेकिन लेनी जरूर है, कोई एक बुक लेनी जरूर है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 1 book, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 3 माइनस 1। तो सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स बुक्स, यू नो। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट साइंस, तो उसके वेज बनेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1, एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, उसके वेज बनेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ये ढूंढ लीजिएगा आप लोग कैलसी में, 7 into 2 raised to 4 16 minus 1 15 into 31 32 minus 1, मल्टीप्लीकेशन करना आपका काम है, ये आप ही करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, 3rd, एटलीस्ट 1 book of literature। हाँ तो ये तो वही हुआ ना जो अभी अपन ने बात की, ठीक है, एटलीस्ट 1 book of literature। तो
लिटरेचर की कितनी बुक्स है मेरे पास यहाँ पे? हेलो, लिटरेचर की कितनी बुक्स है? तो लिटरेचर की बुक्स है मेरे पास यहाँ पर 5, है ना? ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार जरा मैं फिर से यहाँ पे ठीक है, सही है। एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड, कितने कलेक्शंस आप यहाँ पे बना सकते हो, सच दैट इच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ। सो थर्ड में पूछा है इन्होंने एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर, तो इसके बेस बनेंगे लिटरेचर की मेरे पास ना 5 किताबें हैं अलग अलग ऑथर की। सो 2 की पावर 5 माइनस 1। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलिए। और कुछ जो यहां पे हमें करना चाहिए? कुछ यहां पे नहीं हो सकता ना, सोच रहा हूं। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट इच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन बुक ऑफ इच सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन बुक ऑफ इच सब्जेक्ट, एंड थर्ड एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर। तो ठीक है बॉस, ठीक है, हेलो, सही जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो लिटरेचर की मेरे पास यहाँ पे जो बुक्स हैं वो हैं 5, तो यस 2 की पावर 5 माइनस 1, दैट इज 31। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, एक फर्स्ट कोई एक वर्ड आपको दिया जाए और उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात करें, एंड सेकंड ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट को मिला के आपको इतना समझ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स रिगार्डिंग है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं, एंड इट इज वेरी सून। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।